गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ ऑल आर यू? ऑल आर फाइन? ऑल आर गुड एट होम? गुड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एट होम। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। मैथ्स का रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करें। चिल्ड्रन, ब्रिंग आउट योर मैथ्स नोटबुक एंड नोट डाउन योर मैथ्स रिवीजन टेस्ट। बच्चों, अपनी मैथ्स की नोटबुक निकालिए और मैथ्स का रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करो। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 21st September 2020। टुडे इज 21st September एंड द डे इज मंडे। टुडे इज मंडे। लेट्स स्टार्ट रिवीजन। टुडे इज रिवीजन टेस्ट टू। नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक। अपनी मैथ्स नोटबुक में नोट कीजिए एंड स्टार्ट योर टेस्ट। व्हाट इज रिटन हियर? फर्स्टली राइट डाउन योर डेट। व्हाट इज द डेट? 21st September 2020। Write down CA also. Day is Monday. And write down the heading revision test. Our first question is, take the correct answer. सही आंसर में राइट का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। Just read the question carefully and take the answer. What is the first question? Question number 1 का A part है 5 - 2 is equal to 5 में से 2 minus करने पर कितना आएगा? Just solve this question. 5 में से 2 minus कीजिए। Just solve this question and tick on the correct answer. और सही answer पर write का निशान लगाइए। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? जस्ट रीड द ऑप्शंस। 4, 2 and 3। देर आर 3 ऑप्शंस, 4, 2 and 3। 5 में से 2 माइनस करने पर कितना आंसर आएगा? जस्ट रीड इट केयरफुली, सॉल्व इट केयरफुली। इसे आप ध्यान से सॉल्व कीजिए और सही आंसर पर राइट का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट इज बी क्वेश्चन? 7 - 0। बी क्वेश्चन क्या है? 7 - 0। 7 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? फर्स्ट इज 0, सेकेंड इज 7 एंड थर्ड इज 5। 7 में से 0 माइनस करने पर कितना बचेगा? दीज आर द ऑप्शंस। जस्ट सॉल्व इट एंड टेक द आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो भी सही आंसर होगा बॉक्स में राइट का निशान लगाइए। डू इन योर मैथ्स कॉपी। ये सम्स आपने किस में करने हैं? अपनी मैथ्स कॉपी में। दीज क्वेश्चन आर क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन समझ में आ गए आप लोगों को? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी। सी इज 4 - 4 इज इक्वल टू, दैट मीन्स 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना बचेगा? अगर हम 4 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यू हैव 3 ऑप्शंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन फर्स्ट ऑप्शन में आंसर है 0, सेकंड ऑप्शन में 1 एंड थर्ड ऑप्शन में 3। 4 में से 4 को माइनस करने पर कितना आंसर आएगा? जस्ट राइट डाउन राइट। उसमें इनमें से जो भी सही है उसके आगे राइट का निशान लगाइए। ठीक है? इज दैट क्लियर टू यू? सी पार्ट इज क्लियर। लेट्स रीड द अदर क्वेश्चन, डी पार्ट। अब हम डी पार्ट रीड करें। व्हाट इज डी पार्ट? 2 - 1 इज इक्वल टू,
टू में से वन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? जस्ट रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट इज वन, सेकेंड इज थ्री एंड थर्ड इज टू. टू में से वन माइनस करने पर कितना आंसर आएगा? वन आएगा, थ्री आएगा या फिर टू आएगा? जस्ट रीड इट केयरफुली एंड टिक इट प्रॉपरली. इसे ध्यान से रीड कीजिए और राइट का निशान लगाइए अपनी नोटबुक में. इज दैट क्लियर टू यू? अपनी मैथ्स की कॉपी में. नाउ लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर टू. सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स, दैट मीन्स इन नंबर्स को माइनस करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है. लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए. सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स का ए पार्ट है 6 माइनस 2. हाउ टू राइट चिल्ड्रन? जस्ट रीड द थिंग्स केयरफुली. फर्स्टली राइट डाउन टी ओ. टी ओ किसके लिए होता है? आप लोग जानते हो, टेंस एंड वंस के लिए. फर्स्टली राइट डाउन टी ओ, देन राइट डाउन 0, 6, -0, 2. दिस इज द साइन ऑफ माइनस. यू नो इट, दिस थिंग पता है ना आप लोगों को? तो जस्ट राइट डाउन इन दैट मैनर. इस तरह से आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट द नंबर 6 माइनस 2. 6 में से 2 को माइनस कीजिए, 6 में से 2 को माइनस कीजिए एंड जो भी आंसर आएगा नोट डाउन ऑन द गिवन प्लेस. इस गिवन प्लेस पर आपने आंसर लिखना है, नीचे वाले प्लेस पर आपने आंसर लिखना है. सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ए पार्ट इज क्लियर. हाउ टू राइट? राइट डाउन टी ओ एंड देन राइट डाउन द नंबर्स एंड पुट द साइन केयरफुली. और साइन भी माइनस का आपने लगाना है. जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स. रीड क्वेश्चन नंबर बी. बी क्वेश्चन में क्या कहा गया है? राइट डाउन टी ओ एंड देन डू इट 5 माइनस 4. हाउ टू राइट टी ओ? देन 0, 5 माइनस 0, 4. 5 में से 4 माइनस करने पर कितना आएगा? जस्ट राइट डाउन ऑन द गिवन प्लेस. जो प्लेस नीचे दिया गया है आपने उसमें आंसर लिखना है. व्हाट इज द क्वेश्चन? 5 माइनस 4. इज दैट क्लियर टू यू? नोट डाउन द क्वेश्चंस केयरफुली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ए एंड बी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज सी पार्ट. राइट डाउन टी ओ एंड देन राइट डाउन द नंबर्स 8 माइनस 4. दैट मीन्स 8 में से 4 माइनस करने पर कितना आएगा? राइट डाउन प्रॉपरली टी ओ 0, 8 माइनस 0, 4. इस तरह से आपने लिखना है. और 8 में से 4 माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा आपने नीचे उसका आंसर लिखना है. इज दैट क्लियर? राइट डाउन प्रॉपरली. नाउ द क्वेश्चन नंबर डी. टी ओ, फर्स्टली राइट डाउन टी ओ एंड डू द क्वेश्चन. 14 माइनस 4. 1, 4, 14 माइनस 4. 14 में से 4 माइनस करने पर कितना बचेगा? जस्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर. 14 में से 4 माइनस कीजिए और यहाँ पर इसका आंसर लिखिए. इज दैट क्लियर टू यू? हाउ टू राइट? नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर ई. टी ओ, राइट डाउन फर्स्टली टी ओ एंड द क्वेश्चन इज 9 माइनस 3. 9 में से 3 माइनस करने पर कितना आएगा? 9 में से 3 माइनस कीजिए. काउंट इट प्रॉपरली. 9 में से 3 माइनस कीजिए एंड राइट डाउन द आंसर. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर ई. ई इज क्लियर. नाउ लिसन टू द एफ पार्ट. अब हम एफ पार्ट रीड करें. एफ में क्या बताया गया है?
सेवन माइनस सेवन, सेवन में से सेवन को माइनस कीजिए एंड राइट डाउन द आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए? राइट डाउन योर वर्क इन नीट एंड क्लीन मैनर। अपना वर्क आप नीट एंड क्लीन वे में लिखिए, और जिस तरह से आपको फॉर्मेट दिया गया है, जिस तरह से लिखने का तरीका है, यू हैव टू फॉलो, इसी तरह से आपने लिखना है। राइट डाउन टी ओ एंड देन राइट डाउन द नंबर्स प्रॉपरली। टी ओ के बाद आपने नंबर्स लिखने हैं जैसे आपको दिखाए गए हैं, एंड पुट द माइनस साइन ऑल्सो, और माइनस साइन भी लगाना है। इस तरह से आपने सम्स करने हैं, और इसे ध्यान से कीजिएगा। हाउ टू सब्ट्रैक्ट आप लोग जानते हैं ना, तो माइनस कीजिए इसे ध्यान से। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 76 टू 59। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपने बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। राइट डाउन द बैकवर्ड काउंटिंग 76 से लेकर 59 तक। यू नो हाउ टू राइट बैकवर्ड काउंटिंग? बच्चों आप लोगों को पता है ना बैकवर्ड काउंटिंग कैसे लिखते हैं? जस्ट राइट डाउन द फॉर्मेट प्रॉपरली। आप लोगों को मैंने फॉरवर्ड काउंटिंग में फॉर्मेट दिखाया था ना, सो यू नो हाउ टू राइट इट। जस्ट राइट डाउन द फॉर्मेट प्रॉपरली एंड राइट डाउन योर काउंटिंग फ्रॉम 7676 टू 5959। 76 से 59 तक आप लोगों ने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। इट वॉज योर टूडेज टेस्ट, नोट डाउन इट प्रॉपरली एंड डू योर वर्क इन नीट एंड क्लीन वे। अपना वर्क आप नीट एंड क्लीन मैनर से करना, और डू योर प्रिपेरेशन प्रॉपरली। इसके बाद हम लोग आगे के टेस्ट करेंगे, आगे का रिवीजन करेंगे। सो बेटर टू नोट डाउन इट